मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ इन दिनों छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। बुधवार को अपने दौरे के दूसरे दिन कमलनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र हर्रई पहुंचे। यहां आयोजित कार्यकर्ताओं सम्मेलन में संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। क्या कुछ कहते हैं कमलनाथ, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो आपका है, मेरा है, आपके पैसे से बना, कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, सरकार को चुकी बना लिया। अब ये फिर कहते हैं राम, अरे भाई क्या हम राम को राजनीतिक मंच में ले आए? राम की तो हम पूजा करते, मैंने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया, देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया, 14 साल पहले मैंने बनाया, और कोई सरकारी जमीन में नहीं, मैंने अपनी जमीन में बनाया। ऐसा मंदिर क्या है थे? और अब ये हमें पाठ पढ़ाएंगे धर्म का? हम सब धार्मिक हैं, हमारी धार्मिक भावना है, हमारी संस्कृति धार्मिक है, हम अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, हम ये संस्कृति भाईचारे की। उधर मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें मीडिया की उपज थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ के भविष्य के कदम को लेकर काफी अटकलें थी। हालांकि उनके सहयोगी और दिग्विजय सिंह और जितेंद्र सिंह जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार आश्वासन दिया कि कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। इस बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा, आप मीडिया ऐसे अटकलें लगा रहे हैं तथा कोई और ऐसा नहीं कह रहा है, क्या आपने कभी मुझसे ऐसा कहते सुना है? आप खबर चलाते हैं और मुझसे पूछते भी नहीं, आपको इस खबर का खंडन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में कहा था कि भाजपा को कमलनाथ की जरूरत नहीं है और उसके दरवाजे उनके लिए बंद है। इस बीच जब छिंदवाड़ा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले कमलनाथ से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हाल में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो किसानों को मुआवजे के वितरण के बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कर्ज लेकर चल रही है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ विस्तार से नहीं कहा।